ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लोग एम फिल का थीसिस जमा करवाते हुए हर बच्चे ने जमा करवानी है, इसकी टू फाइल्स आप लोगों ने सबमिट करवानी है। एक ओरिजिनल फाइल बना लें आप, जिस पर सारे सुपरवाइज़र और एचओडी से साइन करवा लें, और जो बाकी पेजेस हैं बाकी फिर उसकी कॉपी करवा लीजिएगा। जैसे ये मैंने आपको ये सारे चीज़ें हैं आपको उधर भी दी हुई हैं, आपके पास जब यूएसबी में सॉफ्टवेयर थे उसके अंदर चीज़ें पड़ी होंगी, और ये अब मैं आप लोगों को वर्ड फाइल के अंदर बना के ये भी सेंड करूँ। अगर आप कंप्यूटर पर फिल करना चाहते हो तो फिल कर लें। जैसे ये फर्स्ट टाइप है, इसके अंदर रोल नंबर लिखेंगे आप, अपना नेम लिखेंगे, दैन योर रजिस्ट्रेशन नंबर, क्लास एम फिल, सेशन आपका जो था, एडमिशन डेट अगर आपको याद नहीं है तो आपका जो फर्स्ट वाउचर है उसके ऊपर लिखी होगी जब आप लोगों ने फीस पे की है, एडमिशन टेस्ट पास डेट, आपको अगर एग्जैक्ट डेट याद नहीं है तो सिर्फ मंथ लिख दें, तो अदरवाइज आप अपने सीआर से पूछ लें तो उसके पास जो एडमिशन की टेस्ट डेट है वो होगी। इसके अलावा आप यहाँ पे लिखेंगे आपका प्रोग्राम रेगुलर है या वीकेंड है या रिपब्लिकन है, तो आप यहाँ पे रेगुलर मॉर्निंग या रेगुलर इवनिंग लिखेंगे। इसके बाद आपने जो फॉर्म्स हैं इसी तरतीब से ऐड करने हैं, जैसे ए बी सी डी। ए पे है ऑब्जर्वेशन फॉर्म जो इसके आगे वर्ड फाइल के साथ ही आपको दिया गया है, जिससे चेकलिस्ट है वो भी इसी में अटैच है, पैनल ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनर है ये आपके आपको सुपरवाइज़र आपको देंगे, कॉपी ऑफ अप्रूवल मिनट ऑफ एएसआर भी ये भी आपको जो है आपके सुपरवाइज़र देंगे, सिमिलैरिटी रिपोर्ट ये आपके सुपरवाइज़र आपके जो थीसिस है इसकी सिमिलैरिटी चेक करेंगे और इसको साइन करके साइन और स्टैंप करके आपको देंगे। इसके बाद एक्सटेंशन है, अगर आपने फोर सेमेस्टर से ज़्यादा लगाए हैं तो ये एक्सटेंशन सर्टिफिकेट लगेगा। इसके बाद आपके सारे सेमेस्टर्स के रिजल्ट कार्ड लगेंगे, फोर सेमेस्टर्स के एच कम्प्रीहेंसिव रिजल्ट है ये फॉर पीएचडी ओनली होता है, और इसके बाद नंबर आई है आपका जो डिपार्टमेंटल टेस्ट हुआ था उसका रिजल्ट, इसकी कॉपी अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो मैं ये कॉपी आप लोगों के सीआर और जीआर के साथ शेयर कर लूँगा, आपने वहीं से उससे इनकी कॉपी लेके जिस पेज पे आपका नेम होगा सिर्फ आप उसी का प्रिंट लेंगे। इसके बाद समरी ऑफ फी पे डिटेल है, इसमें आप अपने स्टूडेंट पोर्टल से फी पेज का प्रिंट लेंगे और उसके उस पर वेरीफाई करवाएंगे फ्रॉम एचओडी और सुपरवाइज़र। इसके बाद आप के पे आ जाएगा, आपके जो सारे सेमेस्टर्स की फी वाउचर हैं वो आप साथ लगाएंगे इनकी फोटो कॉपीज, और इसके बाद है थ्री पेजेस ऑफ थीसिस, इसमें आपका थीसिस का टाइटल पेज, सुपरवाइजरी कमेटी पेज एंड टेबल ऑफ कंटेंट, ये सारे पेजेस इसमें लग जाएंगे। इसके बाद डिपार्टमेंटल नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, ये होता है अगर आप इन सर्विस हैं, अगर आपने वहाँ से छुट्टी ली हुई है तो आप उसका एनओसी लगाएंगे। इसके बाद बीयूएस के मिनट्स हैं, ये भी आपको आपके अपने सुपरवाइजर से मिलेंगे। नंबर ओ है ये ओनली फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने इसके साथ लगाने हैं। इसके साथ जो नंबर ए और बी पे डॉक्यूमेंट्स हैं मैं आपको बता देता हूँ कि वो कैसे फिल करना है। इसका नंबर ए पे ये है थीसिस चेकलिस्ट है, ये भी वर्ड फॉर्म में है, आप यहाँ पे अपना नेम टाइप कर लेंगे, फादर नेम, रोल नंबर, जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन आप पुट कर देंगे, आपका डिग्री पीरियड सेशन आ जाएगा, आप लोगों का सेशन 2022-24 आ जाएगा, यहाँ पे आपकी जो डेट कंप्लीट हो रही है वो आप लिख देंगे, थीसिस का टाइटल टाइप कर दें। और एक चीज़ बात आप लोगों ने ख्याल याद रखनी है कि जो भी आपका सिनॉप्सिस टाइटल अप्रूव हुआ है उसमें आप कोई भी चीज़ ए को एन, एन को ए नहीं कर सकते, जो वहाँ पे अप्रूव हो गया आपने एज इट इज़ वही चीज़ लिखनी है। इसके बाद सुपरवाइज़र नेम, यहाँ पे आप लिखेंगे लास्ट डेट ऑफ फाइनल सेमेस्टर, आपके थर्ड सेमेस्टर के, अगर आपने सेमिनार के कोर्स पढ़े हैं तो रफली उसका वो आ जाएगा फरवरी या जनवरी 2024 आ जाएगा। इसके बाद आप लोगों ने जब इसके प्रिंट लेंगे तो यहाँ पे साइन करेंगे। इसके बाद ये चेक लिस्ट है, आपने येस नो अकॉर्डिंगली कर देना, जैसे थीसिस फी डिपॉजिटेड 10,000 अगर आपने पे कर दिया तो आप यहाँ पे नो को कट कर देंगे, ओवर पीरियड परमिशन अटैच्ड अगर आपके लिए नहीं है तो आप यहाँ पे लिख देंगे, इसकी बजाय लिख देंगे एन डैश नॉट, आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। थीसिस फॉर्मेट अप्रूव बाय डायरेक्टर एडवांस स्टडीज, इसको आप लिखेंगे येस। देन सुपरवाइजरी रिपोर्ट, वो भी आपने अटैच की, यस लिख देंगे। थीसिस डिपॉजिट इन थ्री है, आप इसके बजाय यहाँ पे, क्योंकि एम फिल के लिए टू कॉपीज़ होती हैं तो आप यहाँ पे टू कॉपीज़ कर देंगे।
बीएस मिनट्स अटैच आप यस लिख देंगे, इसके अलावा अकॉर्डिंगली आप हर चीज़ यस नो कर देंगे जो भी उसके अकॉर्डिंग है। यानी समर सेमेस्टर फीस आपने अटैच की है, यस आ जाएगा। इस तरह और भी बाकी चीज़ें जो आप यहाँ पे अकॉर्डिंगली फीस फिल कर देंगे, लिस्ट ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनर अटैच्ड, यस। इसके बाद यहाँ पे सुपरवाइजर का नाम आप टाइप कर देंगे, उनका डेजिग्नेशन और उनके यहाँ पे सिग्नेचर आ देंगे। इस तरह से मेरा मैंने अपना नाम यहाँ पे टाइप कर दिया है, बस यहाँ पे मेरे सिग्नेचर होंगे। इसके बाद नेक्स्ट पेज है ऑब्जर्वेशन फॉर्म, इसको भी आप लोगों ने फिल कर देना है। नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, डिपार्टमेंट, फैकल्टी, थीसिस टाइटल आप यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ भी अकॉर्डिंगली आप यस नो लिख देंगे जो भी आपके आपके अकॉर्डिंगली बनेगा। अब यहाँ पे पेजेस का 75 लिखा हुआ है, तो उसको मैं यहाँ 70 कर भी देता हूँ कि आपके एम फिल के लिए जो पेजेस है वो 70 हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ आएगी रेफरेंसेस के अकॉर्डिंगली के अल्फ़ाबेटिक हैं, तो आप यहाँ पे एन ए लिख सकते हैं मैथमेटिक्स के बच्चे, क्योंकि हमारे लिए ये ज़रूरी नहीं है इसको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखना, अगर आपने लिखे हैं तो ठीक है। इसलिए जो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे अटैच कर देनी है, इसके बाद यहाँ पे आपके स्टूडेंट के साइन आ जाएंगे जब प्रिंट लेंगे तो, और इस सुपरवाइजर का नेम भी आप यहाँ पे टाइप कर दें और उनके सिग्नेचर भी आ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट टैब है आपकी जो फी डिटेल है, फी डिटेल में आप यहाँ पे स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन, क्लास, सेशन, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो आप 12 अगस्त आपकी आ चुकी है वो लिख देंगे, 12 अगस्त 2024। इसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर की कितनी फीस थी, किस डेट को पे की, यहाँ पे रिमार्क्स को पेड लिख देंगे, जिन जिन सेमेस्टर्स की फीस पे हुई है वो सारे लिखते जाएंगे, और बाद में टोटल जो फीस आपने पे की वो आ जाएगी, तमाम फी वाउचर आपने अटैच करने। और ये जो आपका पेज है ये अपेंडिक्स जे है, ये जे की प्लेस पे ऐड होगा, जैसे सबसे फर्स्ट पेज है इसके ऊपर ये वाला जे, ये वाला टैब है समरी ऑफ फी पेड। अकॉर्डिंगली इसी तरतीब से आपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करके फाइल बनानी, तो इस तरह से आप ये सारी चीज़ें फाइल प्रिपेयर करेंगे। इसकी आपने एक ओरिजिनल कॉपी बनानी है, और जब आप ये सारी चीज़ें प्रिपेयर हो जाएं तो इसकी एक आपने फोटोकॉपी करवा लेनी है। अल्लाह हाफिज़।